करवा चौथ का त्यौहार महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ा होता है। इस दिन महिलाएं खूब सजती संवरती हैं और गहनों का भी प्रयोग करती हैं। इसलिए खासकर करवा चौथ पर महिलाएं डायमंड सोने चांदी के साथ साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भी खूब खरीदारी करती हैं। पर इस बार कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन से आर्थिक विकास को ग्रहण लग गया है, जिसका असर इस पवित्र त्यौहार पर भी पड़ा है। डगमगाए बजट के साथ इस बार महिलाएं गहनों की खरीदारी जहां कम करते हुए आर्टिफिशियल ज्वेलरी से भी मुंह मोड़ रही हैं, तो कुछ महिलाएं तो केवल त्योहार के नाम पर चूड़ी बिंदी लेकर सिर्फ शगन ही कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर ज्वेलर्स का कहना है कि पिछले साल तो करवा चौथ से 3-4 दिन पहले ही अच्छी सेल हो गई थी, पर इस बार बाजार ठंडा है और करवा चौथ तक भी ज्यादा सेल होने की संभावना नहीं है। इस बार महिलाएं बजट की वजह से डायमंड की जगह गोल्ड में ही हल्की दिलचस्पी दिखा रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर से हमारा जो सेल था वो थोड़ा डाउन ही रहा है, तो जो अभी करवा चौथ की तैयारी चल रही है, हम थ्रू कॉलिंग के थ्रू कस्टमर की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और वन बाय वन जैसे होता है रश को मैनेज करते हुए तो हम कस्टमर को बुलाते हैं, तो रश कम हुई इसी करके हम अपॉइंटमेंट के थ्रू ही कस्टमर को डील कर रहे हैं। अभी आप ये मान के चलिए 30-40% डिक्रीज हुई है हमारी सेल लास्ट ईयर कंपैरिजन। और जो डायमंड होता है डायमंड में भी कस्टमर का इंटरेस्ट थोड़ा कम ही हो रहा है, गोल्ड में ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस करके उस डायमंड पे आप ये मान के चलिए 20-25% डिक्रीज गया है, मतलब कम हुई है सेल। गोल्ड्स में जैसे हो गया सेट हो गया, इयररिंग्स हो गए और बैंगल्स हो गए, मंगलसूत्र हो गए, अब ये मान के चलिए 60-70% तक ही हम पहुंच पाए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। 30-40% डिक्रीज ही हुई है सेल। वही शराफ के स्टोर मैनेजर ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले सेल काफी डाउन हुई है। हाल यह है कि जो टिकट साइज पिछले साल 50,000 रुपए का था वो अब घटकर 25,000 का रह गया है। इस बार महिलाएं कम बजट के चलते लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा कर रही हैं। इनमें भी पेंडेंट सेट, मंगलसूत्र, बैंगल्स, अंगूठी ही खरीद रही हैं। कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के काफी डाउन है ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि काफ़ी जो वर्किंग लेडीज़ थी काफ़ी लोगों की जॉब भी चली गई है, काफ़ी अब किसी को हाफ सैलरी मिल रही है, तो इसके हिसाब से कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी ड्रॉप डाउन है। मतलब मैं परसेंटेज में भी करूँगा तो ऑलमोस्ट जो हमने पिछली बार सेल करी थी तीन चार दिन पहले जो हमने सेल करी थी करवा चौथ में, इस बार वो हार्डली ही वॉकिंग्स हो रही है। और सपोज करो पिछली बार अगर हमारा टिकट साइज 50,000 का था तो वो ड्रॉप डाउन आके 25,000 का हो गया है। और ये है कि अभी एक्सपेक्टेशंस ऐसे लग भी नहीं रहे, बिकॉज अभी भी कोरोना का जो चल रहा है मार्केट में जो र्यूमर्स है या कुछ एक्चुअल है चीज़ें, उसमें भी काफ़ी डर है लोगों को, तो लोग सेफ्टी पहले वो कर रहे हैं। बाकी ये है कि इन फ्यूचर ये सब कुछ प्रॉपर हो जाता है तो डेफिनेटली वॉकिंग्स होगी, सेल आएगी। जब तक हम कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के तो काफ़ी ड्रॉप डाउन है, बट लग रहा है कि अभी कितने परसेंट 20-30 कितना 20-30% का 20-25% का रहेगा कि अभी जो वॉकिंग्स हो रही है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी इन 2-3 दिनों में। लाइट वेट ज्वेलरी पसंद करे लेडीज, क्योंकि एक तो बजट का भी अभी है उनका, क्योंकि अभी जॉब चली गई है और लॉकडाउन की वजह से काफी कुछ चीजें बंद रही हैं, तो उसकी वजह से बजट पे काफी फर्क पड़ा है। वही आर्टिफिशियल ज्वेलरी के एक विक्रेता ने बताया कि पिछली बार करवा चौथ पर उनका इस समय तक 4 गुना काम था, जो कि इस बार पूरी तरह से ठप हो गया है। करवा चौथ के सामान के लिए उन्होंने उधार भी लिया था पर सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। जो महिलाएं आ भी रही हैं वो इस बार सस्ता सामान मांग रही हैं, जबकि पिछली बार हैवी सेट, लाख की चूड़ियां आदि की काफी ज्यादा डिमांड थी। ये हमारी मार्केट 3D1 में शॉप है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी दुकान में एक भी कस्टमर नहीं है। पिछले साल इन दिनों में ही हमारा इससे 4 गुना काम था, जो आज की डेट में हमारे पास एक भी ग्राहक नहीं खड़ा। और दुकान पर हमें तो सोच के हैरानी हो रही है, इतना माल का हम क्या करेंगे, एक साल के लिए हमारे पास ये माल अब कैसे संभालेंगे। इतना सामान हमने उधार भी लिया है व्यापारियों से,
व्यापारियों से, कईयों से जिनसे पुराने रिलेशन है, उधार भी लिया है, पैसे आधे कैश भी दिए हैं। अब हमारे लिए तो ये सारा स्टॉक 4 गुना कम हो गया हमारा काम। पिछली बार जैसे हमारी 1 लाख रुपए की सेल थी, तो इस टाइम 10-20 हजार की सेल आ रही है। वो भी जो हमारे रेगुलर क्लाइंट है, सिर्फ वही आ रहे हैं, और बहुत ही कम हमें वो ग्राहकों की कमी हो गई है। नुकसान बहुत भारी हुआ है हमारा, और तो मेन हमारा सामान स्टोर भरे पड़े हैं, हमारे पास गोदाम भरे पड़े हैं। इतना सामान हमने कांच की चूड़ी, मेटल की चूड़ी में, लाख में, सरोस्की में, इतना सामान हमने सारा स्टोर में पड़ा है हमारा, वैसे ही पड़ा है, जैसे कार्टून आए हैं बंद का बंद ही पड़ा है हमारा। थोड़ी सी चूड़ियाँ ले रही हैं, जो भारी भरकम सेट बनते थे हमारे, वो कोई ग्राहक नहीं इस बारी ले रहा। 2-4 ग्राहक ने लिया है, बाकी सब मेरे से छोटे छोटे सगन के लिए चूड़ियाँ मांग रही हैं। इस तो चीज़ का हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है, जैसे हमारी कलेक्शन सबसे बढ़िया होती थी, आज की डेट में हमारे पास सबसे कम सस्ते वाली चूड़ी बिक रही है, बढ़िया माल नहीं ले रहा कोई ग्राहक। वही एक विक्रेता ने बताया कि इस बार बाजार बिल्कुल ठंडा ही है। पिछले साल 3 से 4 दिन पहले तक 1 लाख से 1.5 लाख तक की सेल हो गई थी, जो इस बार सिर्फ 15 से 20 हजार तक ही है। उन्होंने बताया कि महिलाएं पहले 3 से 4 हजार तक का सामान ले जाती थी, वो अब 300 रुपए खर्च करने में भी कंजूसी कर रही हैं। वहीं करवा चौथ पर सेल बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आगे दूसरे त्योहार भी आ रहे हैं। इस टाइम पे करवा चौथ के टाइम पे बिल्कुल मंदा चल रहा है, बाजार में बिल्कुल रश नहीं है। जो 2-3 साल पहले तक हमारी सेल होती थी, आज मतलब 3 दिन रह गए करवा चौथ में, लेकिन कस्टमर देखने को भी मार्केट में नहीं है। हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। जो बड़े बड़े स्टोर्स खुल रहे हैं या ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से हमारी जो मार्केट की सेल है वो बिल्कुल डाउन होती जा रही है दिन पर दिन। पीछे तो ये था कि टाइमिंग नहीं मिल रही थी हमें, अब तो टाइम चलो सरकार ने दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद कस्टमर के पास पैसे बिल्कुल नहीं है, उसकी वजह से मंदा बहुत ज़्यादा छाया हुआ। 4 दिन के अंदर हमारी तकरीबन 1-1.5 लाख रुपये के आसपास सेल हो जाती है। इस टाइम पे हमारी सेल जो है 15-20 हजार रुपये के आसपास चल रही है। आप खुद हिसाब लगा लो कितनी डाउन है और क्या हमारी मार्केट की पोजीशन इस टाइम हो रही है। इसका देखो, दिल तो बहुत करता है सामान लेने का, हर चीज़ लेने का, लेकिन कस्टमर के पास पैसे ही नहीं है। किसी सबकी सैलरीज जा चुकी हैं, कोई कड़ी चावल बेच रहा है, कोई राजमा चावल बेच रहा है, नौकरियाँ जा चुकी हैं, किसी के पास कोई पैसा ही नहीं है, कहाँ से क्या करेंगे। जो पहले पीजी वगैरह पे लोग रेंट पे देते थे, बैंक की इंस्टॉलमेंट खड़ी है, लेकिन कस्टमर है नहीं, पीजी है नहीं, सारा रेंट खाली। पहले 2-2-3-3 हजार रुपये के सामान लेके जाती थी, आज की डेट में 200-300 में भी कंजूसी कर रही हैं। वो बिल्कुल हाथ खींच के अपना चल रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है, अगलों ने घर भी देखना है। अभी सारे त्यौहार सिर पे हैं, सारे पैसे अगला कहते करवा चौथ पे ही लगा देंगे, दिवाली सिर पे है, गिफ्ट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो रखना पड़ता ना समाज के लिए, फिर भी अगला उस हिसाब से चल। बढ़ने का तो कोई चांस नहीं लग रहा जी, हमने तो जो सामान डाला था उसके पैसे पूरे हो जाए, उसमें बड़ी गनीमत है। लॉकडाउन में हम 3 से 4 लाख रुपए नीचे जा चुके हैं, बैंक की इंस्टॉलमेंट पड़ी थी हमारी, और जो बैंक उन्होंने मांगी नहीं है, लेकिन वो 6 महीने की इंस्टॉलमेंट पूरी करने के लिए हमें 2 साल उसकी रीपेमेंट शेड्यूल करना पड़ेगा। 2 साल में पूरी होगी वो 6 महीने की इंस्टॉलमेंट, बहुत ज़्यादा नुकसान। कोरोना के कारण आई मंदी से इस बार करवा चौथ पर जहां सोने चांदी की चमक फीकी पड़ी है, वहीं डायमंड भी चकाचौंध नहीं कर पा रहा है। इस करवा चौथ पर कम बजट के चलते महिलाओं का रुझान लाइट वेट ज्वेलरी में देखा जा रहा है, वहीं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बाजार भी ठंडा सा ही है। राष्ट्रीय खबर से ललिता जामवाल की रिपोर्ट।